अगर दोस्तों आपको हमारे इस YouTube चैनल इंडिया बिट्स बताए दिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं सारण्या परिवार के सिलसिले में। सारण्या परिवार में इन्वेस्टर्स बहुत ही ज़्यादा खफा हैं सारण्या परिवार से, क्योंकि वो उनको लगता है कि उनका पैसा नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक बात आपको बता दें कि इन्वेस्टर्स की परेशानी को देखते हुए सारण्या के मालिक सुब्रत रॉय ने अपने सभी निवेशकों के लिए खुशखबरी दी है, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सारण्या के मालिक सुब्रत रॉय सहारा ने बताया कि साल में मार्च या फरवरी तक किसी का पैसा हर हाल में, मतलब जो लोगों का इन्वेस्टर्स का पैसा है वो वापस करने के लिए वो पूरा कोशिश करेंगे। और वित्त मंत्री पंकज चौधरी को मिली जानकारी के अनुसार सारण्या रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,400.87 करोड़ रुपये और सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ रुपये जुटाए हैं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ने और SHICL कंपनी से करोड़ रुपए की राशि एकत्र की गई थी, जिसके तहत सारण्या में निवेश करने वाले उम्मीदवारों के द्वारा वर्ष 2021 तक पुनर्भुगतान के लिए खोले गए खातों में 15,503.69 करोड़ रुपए जमा किए गए। सारण्या के बारे में बताते हैं कि नई खबर दोस्तों आपको मैं बताना चाहूँगा कि सारण्या में पैसे मिलने की उम्मीद अभी भी लोगों में पूरी है, मतलब अभी तक लोगों में अभी भी उम्मीद है कि उनको सारण्या के में जो इन्वेस्टमेंट किए गए थे उसमें पैसे उनको मिल पाएंगे। इसलिए पूरी कोशिश की जा रही है कि वहाँ से उनको वो पैसे मिल सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों के पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट है। मिलते नई वीडियो के साथ, नई जानकारी, तब तक लीजिए हिंदू धन्यवाद।